मैं कुत्ता कट फैलो, अगर गुस्ताखी रसूल का कुत्ता मरा हुआ हो अंदर तो फिर ईमान का कुआं पार नहीं होता, तब होगा पहले कुत्ता निकालो बाद में। अल्लाह के फजल करम से रास्ता इश्क और मोहब्बत रसूल का खुला है। और मुसलमानों तफरकाबाजी कोई नहीं, ये जमात है और जमात का अकीदा अल्लाह के महबूबों की इज्जत का है। हम नफरत का सबक नहीं दे रहे, हम मोहब्बत का दे रहे। नफरत उनसे जिनको हबीबों से नफरत है। तो रास्ता खुला है, बस कोई झगड़ा नहीं होगा। तुम उनकी तअज़ीम करो जिनको रब ने इज्जत वाला बनाया है, फिर तुम्हारी डिमांड हम पूरी कर देंगे। तुम उनकी इज्जत करोगे, हम करेंगे। देखो जिन्होंने की है, हम तो फौत हो गए हैं तो उनकी कब्रों की भी इज्जत करते हैं। हम बेअदब लोग नहीं है, लेकिन अगर तुम बेअदबी करोगे और फिर कहो कि हम अदब करें, ये तो बेगैरती हमसे नहीं हो सकेगी। तुम उनकी इज्जत करो जिनको अल्लाह ने इज्जत दी है, फिर कोई तुम्हारे बारे में ऐसी बात नहीं करे। ये गलत बात नहीं है कि तुम भोगते रहो और हमें कहो जी हमें तो आप मानते रहे। फिर तो इस तरह तब हो सकता है जब हमारे खून पर कोई लड़ा हो, खून खालिश हो एक ही बंदे का यानी अपना ही अब्बे का, तो फिर ये हरामियों वाला काम तो हम नहीं कर सकते ना, कि हबीबों के हबीब भी माने और उनके दुश्मनों को भी अपना माने। तो ऐसे मिक्स खून कर सकता है, ऐसा खालिश खून है ये काम नहीं कर सकता। क्यों? इंसान तो इंसान है भाई, तो जानवरों में भी ये ताकत नहीं है कि डबलिंग करें, ये बात डबल करें। जिसका खाते हैं उसी के दरवाजे पे मरते, नहीं समझ आई? और हम हबीब अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं और कुरान की ये दावत है, इस बारे में एहतियात अहले इस्लाम लाजिम। और दलाइल से अगर कोई बात करेगा, अहले सुन्नत वल जमात बेआसरा नहीं है, हर वक्त दलाइल मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। यही हमारा अकीदा है जो सहाबा इकराम से लेकर 1422 साल हिजरा के मुसलसल ये जमात बयान करती चली आ रही है। और अगर किसी को इल्म का घमंड हो ना, तो हम हर वक्त उसका घमंड तोड़ने के लिए तैयार है। हाँ, और एक बात और कह दूं, मुझे कोई दोस्त कह रहा था, वो कहता है भाई जनाजे के बाद दुआ मांगनी है कि नहीं मांगनी? और मैंने कहा मांगनी है तो नहीं मांगनी, जो भी करना है मुसलमानों के लिए, इनका जनाजा ही नहीं पढ़ना, दुआ क्या करनी? ये क्या झगड़ा है तुम्हारा? हमारा झगड़ा है हबीब की ताजीम पर। तुम ताजीम ना करके हो वहां हम भी मोमिनीन, जब तुम मोमिनी नहीं हो तो एक दुआ का झगड़ा हमारे साथ करते क्या? सुभान अल्लाह। ये तो ऐसे ही है जैसे वाजपेयी आके कहे जी दुआ के जनाजा के बाद दुआ मांगनी चाहिए जी। तो मैं कहा बुढ़िया सही है, अब सूरम सिंह आए भाई इरफान शाह जी जनाजे के बाद, तो मैं कहा जनाजा है पहले तेरा साडा कमलिया, तेरा सारा दीन ही अलग है, अगले सिर दुआ में किने बढ़ता फिरना तू? तू गुस्ताख है, हम गुलाम है। बल ये दीन तेरा दीन अलग है, हमारा दीन अलग है। तू शैतानी है, हमारा दीन जिब्रीली है। हम झुकने वाले हैं, तू अकड़ने वाला है। तेरा हमारा दीन एक नहीं है। और कमलिया जब तेरा हमारा मुड्डो दीन एक नहीं है, तो एक दुआ में तू हमारे साथ कैसे पढ़ा है? जब जनाजे नहीं तो दुआ कैसी? ये रड़े आप डालते हो ना, तो फिर चले जाते हो, तो फिर पूछेंगे दुआ है कि नहीं है? जब पहले यही कहो तुम्हारा तो जनाजा ही हराम है, इस मुर्दार का हम पढ़ेंगे कैसे? जो बात अकीदा है, उस मुर्दार का जनाजा नहीं पढ़ेंगे। पढ़े चाहे हमारे नजदीक ऐसे ही, चाहे गिट्टे से घसीट कर वैसे किसी टोए